हसदे चेहरे का मतलब यह नहीं होता कि उन्होंने कोई तकलीफ का बर्थडे था
तो मैंने इसको बोला कि यार अपने चाचा से पूछ ले कि मेरी बंदी के लिए इसके पकान खोल रहे कि नहीं खोल रहे। मैंने इसके मिल रही है नहीं मैंने मैं तो एक सीन बताता हूँ। मैंने एक चप्पल खरीदी थी रिसेंटली, तो उसने दुकान खोल के उन्हें चप्पल दी थी। चप्पल तो उसको बहुत बुरी लगी जिंदगी में। तो मतलब मैं सोचता कि इसका चाचा भी ऐसे ही कर रहा होगा कि दुकान खोल के दे रहे होंगे कपड़े की फिटमेंट। तो मैंने बोला एक बार पूछ के देख ली उनसे, तो मेरे से बात में बहुत ज्यादा गुस्सा हो गया। मैंने इसको पूछ के बता दिया, ये ऐसे पड़ गया। हाँ मतलब ये बात की मैंने 3-4 बार सवाल ज्यादा पूछा, जैसे मेरे में नहीं है कोई भी मैंने 3-4 पूछेगा तो मैं 3-4 बार जवाब ही दूंगा। पर ये गुस्सा हो जाता है इसके अंदर। सबसे एग्रेसिव वाली चीज जो मुझे सबसे रेड वाली चीज है हां इरिटेट हो दूं, बहुत जल्दी इरिटेट हो जाता है। जैसे अगर हम कोई कांड कर रहे हैं और हमने मजाक में भी बोलते ना कि 500 की है, मैंने कब किया तो भाई मुंबई वाली बात हो गई ना ये। तो अगर भाई अब अगर अपने में भी कहते ना और इसके ऊपर डाल दो बात तो मैं बुरा मान जाता इतनी जल्दी। मैं बुरा नहीं मानता लेकिन भाई ज्यादा बच्चों में मर की पब्लिक हो जाए। तो फोर्थ क्वेश्चन पे आते हैं, तो हम इसमें तो कौन सा क्वेश्चन पूछा था तुमने? तो भाई अपना फोर्थ क्वेश्चन पूछ गया मेरे साथ की बेस्ट और वर्स्ट मेमोरीज क्या है तुम्हारी? बेस्ट बेस्ट मेरा फेवरेट बेस्ट और वर्स्ट बेस्ट मेरे साथ बेस्ट तो फेवरेट ही है क्योंकि हम में जो जितने अगर इसकी जगह कार्तिक है लो अमन कटारिया डिपेन कोई और मेरी क्लास का होगा तो मैं उसका फेवरेट बोल सकता था क्योंकि फेवरेट पे मैंने इसके साथ ज्यादा मजे नहीं करे। मतलब उसके चाचा ने उसने बोला टीवी को गाना पाड़ूंगा मैं तुम घर चली के कुछ भी ऐसे नहीं बोला था गाना पा गए अब वो तो ब्लास्ट कर दूंगा ना मैं उसमें बहुत तमीज से थोड़ा सा यार थोड़ा सा सस्पेंस बना रहा है यार तू मत मत देखा देखा तो इसमें ये चीज है कि अब बुरा मान जाते हैं तो इसको पता है मुझे हंसी मजाक में बोल रहे हैं कि ऐसा तो बोला नहीं होगा तेरी गाना फाड़ देंगे बताए अब तक कि तू घर चल बस घर चल फिर से जाके बात क्या करने से पीछे बैठ के 2 मिनट में। और मेरे वर्स्ट और ने फनी भी है कि हम एक बार झंडे वाले गए थे तो हम पार्किंग में तो नोवा दिन था नवरात्रि का तो हम सोचे कि झंडे वाले खुला होगा तो झंडे वाले खुला नहीं था तो पार्किंग में वापस आ रहे थे। हमने जैसे स्कूटी मोड़ी हल्की से स्कूटी मोड़ी झंडे वाले धुलम गिर गए थे दोनों के साथ मेरा छोटा भाई भी था और फर्स्ट के साथ एक और चीज भाई हम सारे दोस्त उसमें हीनू भी था आशीष जब मेरी बाइक चला था तो आशीष के पीछे बैठा था और मैं इसके पीछे बैठा था ये स्कूटी चला था वो 90 की स्पीड में स्कूटी मेरे ऊपर आ गई ना बाकी मेरे लगी थी अरे चली कैसे थी नहीं मैं 90 की स्पीड में स्कूटी और आगे से कार को ओवरटेक करके ऐसे लहर मार के जा रहा है वो हाथी जैसा बंदा इसके पीछे बैठा है उसकी कान नहीं फटेगी तो क्या फटेगी एक बार बताओ। मैंने इसको बोल दिया था भाई अच्छे से चलानी आती है फटनी क्यों चलो भाई आगे मतलब और आप कौन क्वेश्चन था ये फिफ्थ क्वेश्चन था पता नहीं अब मैं कौन सा क्वेश्चन था दूसरा क्वेश्चन अच्छा मेरी बुरी बात है तो तुमने बता दी मेरी अच्छी बातें क्या अच्छी बात नहीं बताई अच्छी बातें नहीं बताई मैंने अच्छी बातें मेरी बुराई तो अच्छी बात है मैं कुछ भी हो जाए कुछ भी हमारे बीच में कुछ भी हो जाए लड़ाई हो जाए बट अगर मैंने कह रहे कि पांचू भाई का ये हेल्प चाहिए मुझे या मेरी कुछ से लड़ाई हो गई या मेरा एक काम कर दे तो ये कभी भी ये चीज नहीं रखेगा कि हमारी लड़ाई हुई है ये हुआ वो हुआ ये हाँ वो कर देगा ये काम वो हमेशा वहां पे स्टैंड रहेगा यार तुम भी कर देते हो ऐसी कोई बात नहीं भाई और मेरे लिए ये है कि तेरी अच्छी बात हो गई ना और मेरे लिए ये है कि मतलब मेरी पूरी हमारी पूरी जिंदगी में इतना मेरे इतने दोस्त बने हैं हमारे बहुत सारे दोस्त बने अलग स्कूल में दोस्त बने हैं तो बहुत अच्छी दोस्ती भी उनके साथ पर दीपांश का हमारा अलग अटैचमेंट है मतलब अगर मेरे माना में भी कैश मेरे पे खत्म हो जाता है मैं ऑनलाइन पेमेंट करनी होती है मेरे पे मतलब फोन पे वगैरह मेरा खराब हो जाता है तो मैं इसको कॉल करके बोलता रहे कि पेमेंट कर दे तो ये बिन सोचे समझे कि कहाँ है क्यों है क्योंकि बाकी दोस्त जो है बहुत बहाने मारते हैं कि बिन सोचे समझे कि यार कर देता हूँ मैं मतलब अभी भी यार कभी मांगता जिंदगी में पैसे वापस भी नहीं मांगता मैं इसको जबरदस्ती करके रख लिया अरे नहीं कोई बात नहीं आगे जाके तू दे दी हो तू नहीं करता क्या मेरी अब जबकि मैं करता भी नहीं ना मेरे से मांगता मैं ही मांगता इससे आज भी मांगता नहीं है ठीक है और शहनशाह की तरफ मत बैठ दे
ऐसे बैठे हुए रिलैक्स होके बैठा आराम से। तो अब अपना नेक्स्ट क्वेश्चन, छठा क्वेश्चन पूछ सकते हैं भाई, जो भी पूछना है। क्वेश्चन नंबर याद है, क्वेश्चन नंबर 6 तो हमारे साथ का इमोशनल मोमेंट क्या लगता है? इमोशनल मोमेंट मुझे पता है कब लगता है, जब हमारा फेयरवेल पे गाना चल रहा था और जब नहीं फैजान को शायरी गा रहा था, याद है जब हम सब सब दूर हो जाएंगे एक दूसरे से, तो हमारे आशीष सर भी लोग थे जो हमारे 4 साल क्लास टीचर है, तो उस टाइम मुझे लगा कि यार लाइफ में इतने क्लास क्लासरूम में इतना डांस किया, प्रिंसिपल के पास हम फंसे, फाइन दिए, बंक करी, हर चीज करी, बच्चों को नहीं मारा, नहीं मारा आपस वालों को मारा, आपस वालों को मारा, बच्चों को नहीं आया, जूनियर को तो बहुत मारा, कुत्तों की तरह मारा, कुत्तों को नहीं मारा। वो चीज मुझे इमोशनल लगती कि तब लगा ना कि यार ये जब ये सब मूवमेंट एक टाइम पे फिनिश होने वाला है, तो कि जो हमारी मस्ती। और मेरा ये है कि एक बार इसकी मम्मी पापा ने मेरे को अपनी एनिवर्सरी में बुलाया कि एनिवर्सरी पे आ जाइयो, तो ये मेरे बर्थडे पर रात को नहीं आया, तो मैं उस टाइम से गुस्सा था, 4 दिन बाद इसी में आपकी एनिवर्सरी थी तो मैं उसमें नहीं गया, अबे बुरा मान गया, तो मैंने मम्मी का बहाना दे दिया कि मम्मी ने मना करा है, कि मतलब ऐसे बहाना दे, मम्मी ने ऐसा कुछ बोला नहीं था, फिर मैंने मम्मी का बहाना दे कि मम्मी ने मना करता कि रात को ये भी नहीं आया था तो तू भी मत जा, मैंने ऐसे बोल दिया। अबे आया और घर पे आकर रोने लग गया कि आंटी ऐसा मैंने क्या कर दिया ये वो, तो बहुत रोने लगा, तो मम्मी भी रोने लगी, मैं भी रोने लगा कि ऐसे तो मैं तो कुछ बोला नहीं, मतलब मम्मी मैं उसको ठस्सा दे रहा था ऐसे, क्योंकि मेरे बर्थडे पर नहीं, मैं नाराज था इससे कि मैंने उसको इतना प्यार से बुलाया कि मम्मी मम्मी बुला रही है, बहन वगैरह आ रही है, मैं आया बता, मैं पूरा दिन से केक लेके घूम रहा हूँ, इसके घर पे लगवा रखा है केक, फिर भी पता नहीं लगे इसने हमारे सरप्राइज रखा हुआ है, हमने सोचा कि क्योंकि हमने उसको पार्टी वगैरह दे दी थी, हमने पूरा दिन में सब खत्म कर दिया था, अब मुझे नहीं पता कि शाम को सरप्राइज लेके आया है, अब जब रात को फ्रिज खोल के देखा मैंने दो दो केक कैसे पड़े हुए, मम्मी से पूछा, मम्मी ने बोला यार ये तो 500 रखे गया और तूने तो खाने पे नहीं बुलाया, मैंने बोला कि वो घर चला गया, हमने सुबह तो पार्टी दे दी थी, तो मैंने उसको फोन करा कि घर आकर तो मुझे कि नाराज हो गई है, तो इसलिए आया नहीं, फिर मैं गुस्सा हो गया कि यार की बर्थडे है, बर्थडे दिन क्या लड़ाई झगड़ा करना, मान जा चल, मैंने उसको ऐसे बोला, तो आया नहीं, तो उस बात से मैं गुस्सा था, तो मैं भी नहीं गया इसकी, मैंने बाप के लंबी बातें आए बहुत सारी, तो इसको मैं आधा पार्ट दूंगा, तुम टेंशन मत लो, थोड़ा बोरिंग हो गई। तो अब कोई क्वेश्चन है आपके मन में ब्रो? मोस्टली तो कुछ ही है। अच्छा हो गया, कोई ऐसी आदत है जो तुम्हें गंदी लगती हो? बुरी बता दो यार, अभी अभी दिखा भी दिया वीडियो में, वीडियो में दिखा भी दिया, तो वीडियो खत्म। आपका कुछ क्वेश्चन है हमारे से? चलो ठीक है, तो गाइस वीडियो यहीं खत्म करते हैं हम, मैं प्लान और तुझे किस किसका सबसे सही है? जैसे साइन अप ना करते नर्वसनेस तेरे बच्चे, आज किसका सबसे सही है क्या आंसर? दोनों जितना जितना जानते हैं उतना दे दे, कह रहे इसको याद नहीं, कैसे बात है बहुत ज्यादा लंबी करी हमने, 13 मिनट की वीडियो बन गई, क्योंकि हर एक जोश में है ना अपनी अपनी यादें आता रहती हैं, यादें हमेशा याद आती हैं, और अगर इससे जगह कोई और भी दोस्त होता तो वो भी उसके साथ ही बहुत सारे हमारी हर एक दोस्त के साथ हर एक अलग मेमोरी है, तो तभी जब हमने यूट्यूब चैनल बनाया तो हमारे काफी दोस्तों ने हमें सपोर्ट करा, और हमें यूट्यूब चैनल बनाने से एक साल पहले ही बोलते थे कि रहने दो तुम यूट्यूब चैनल बनाया करो, ठीक है, फिर हमारे बनाया बट एक आशीष और एक ही मेरे घर में कभी भी आ जाए कुछ भी करे, मतलब आराम से खाना वाना खाए कुछ भी, कोई भी हमेशा हम साथ में रहे फैमिली की तरह, उसकी फैमिली इसकी फैमिली हमें जानती है, उसकी फैमिली हमें जानती है कई सालों से, सो गाइस वीडियो वो आप बोल रहे हो खत्म करते हैं, तो चलो सो गाइस इफ यू लाइक द वीडियो, और अगर आप बता सक आप कमेंट बॉक्स में बता देना हमें वीडियो कैसी लगी, ये भाई के साथ भी करें नहीं करें, और कैसी लगी, और क्या कर सकते हैं, मतलब और क्या-क्या लाख चीजें ला सकते हैं, मतलब नहीं नहीं आप हमें आइडियाज दे सकते हैं, ठीक है, सो इफ यू लाइक द वीडियो लाइक कमेंट एंड सब्सक्राइब जरूर कर देना कर देना, और शेयर भी कर देना, आज कोरोना है तो गाइस जी बता नहीं, ओए यार थोड़ा गैस हो यार, वीडियो स्टार्ट कर दिए चल ले पहले, कोई ना कोई ना कोई ना, ये तो प्रॉपर कर, सो गाइस इफ यू ये थोड़ा नशे में, आई विल जस्ट सब्सक्राइब कर कट।